सॉरी बेटा, हम थोड़ा सा लेट हो गया मैं इसमें, बट ये है कि हम इसमें थोड़ा सा लेट स्टार्ट के करेंगे और लेट ही फिनिश किया करेंगे. लाइक इफ वी विल स्टार्ट लेट तो हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे इसमें. अच्छा जी, हमने कल क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन बैंक का, उसमें कोई इश्यू बेटा, हमने वहां से आगे चलना है, उसमें कोई प्रॉब्लम कोई चीज. सबको मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, सबको बड़ा आवाज आ रही है, ठीक हो गया. अच्छा मुझे ये बताएं, इंटरलॉकिंग सिस्टम में और इंटीग्रेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है जनाब? यहां से हमारी बात स्टार्ट होगी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरलॉकिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड सिस्टम? सब लोग काइंडली, सब लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, हरी अप. इंटरलॉकिंग सिस्टम में और इंटीग्रेटेड सिस्टम में डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं. इंटरलॉक, दरमियान में लॉक लगा हुआ है. किसके लॉक लगा हुआ है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. यानी फाइनेंशियल जो एक्सटर्नल पर्पज के लिए अकाउंट्स बनते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट जो इंटरनल पर्पज के लिए अकाउंट्स बनते हैं, और इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट मिक्स करना, मर्ज करना, जिसमें मर्ज किया जा रहा होता है जनाब. सब लोग काइंडली मुझे रिप्लाई करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. हरी अब, हाँ जी बेटा, सब लोग रिप्लाई करें, मुझे बताएं यार क्या डिफरेंस है इंटीग्रेटेड सिस्टम में बेटा और इंटरलॉकिंग सिस्टम में, डिफरेंस बताना सबने. सब लोग हरी अब मेंशन करें क्या डिफरेंस है दोनों में, इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है और इंटीग्रेट सिस्टम में क्या होता है. यार थोड़ा लेट स्टार्ट किया करूंगा मैं, 10-15 मिनट में तो लेट ही फिनिश किया करूंगा. एक बच्चा पूछा सर क्लास लाइक, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी स्टार्ट करूंगा, बट इफ 10-15 मिनट मैं लेट होता हूं तो लेट फिनिश करूंगा मैं. ये है कि आपका कॉम्पनसेट पूरा कर दूंगा इसको. ऐसे मैंने कहा है मैनेजमेंट के, हमारी टाइमिंग को इसमें एडजस्ट करें, 1.5 आवर करें और इसको थोड़ा एडजस्ट कर दें. तो दिस सेट के अभी रिजल्ट आ रहा है तो हम पूरा प्लान करके शेड्यूल आपको दे देंगे रिजल्ट का. आप लोगों का भी तो रिजल्ट आ रहा होगा ना, आई थिंक आप लोग, आप लोगों ने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं? ठीक है, करते हैं इसको भी मैं करता हूँ एडजस्ट. एग्जाम कौन कौन से दिए हैं आप लोगों ने यार, जल्दी बताए. एक बच्चे ने नाम कहा है CAF 456, ऑलरेडी एफर्ट टू और कौन कौन से एग्जाम है आप? BM, टैक्स एफर, ठीक है, टैक्स ऑल्ड एफर 1. हाँ, सबने एग्जाम तो दिए हुए यार, ठीक है. छुट्टियों का कभी प्लान करना पड़ना ना आगे यार, क्या छुट्टियां? मैं तो वैसे कोशिश करूंगा छुट्टी कम से कम हो. आई थिंक ट्यूजडे को रिजल्ट आ रहा है, आई थिंक सो. कब छुट्टी होनी चाहिए आपको? मंडे ट्यूजडे ऑफ होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? अब मैं भी सैटरडे को क्लास करवाऊंगा, हो सकता है सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा ज्यादा टाइम मिल जाए, लाइक मुझे 2 आवर्स मिल जाए सैटरडे को, ज्यादा पढ़ा दूंगा. मंडे ट्यूजडे आपको ऑफ कर देंगे. वेडनेसडे देखूंगा फिर, बर मैनेजमेंट से करता हूँ बात. कोशिश ये होगी कि 2 दिन ही ऑफ हो. सर 11 बजे से पहले आपकी, 11 बजे से पहले हुआ करेगी, बेफिक्र हो जाए आप. अच्छा बेटा, आप अपने वो कॉलेज चले जाया करेंगे, नो इश्यू. इसी टाइम को मैं कह रहा था, बेशक इसी टाइम को वो 1.5 घंटा कर देंगे, कुछ कर दें, मुझे 1.5 आवर चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए. खैर, सब लोग मुझे जिस तरह से ये रिप्लाई चल रहा है, मुझे ऐसा रिप्लाई चाहिए, इंटीग्रेटेड सिस्टम और इंटरलॉकिंग सिस्टम. मैंने फर्क अभी आपको बता भी दिया क्या होता है, लेकिन आप लोगों से मुझे रिप्लाई चाहिए.
सब लोग काइंडली रिप्लाई करेंगे। इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है और इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है? हरी अब हरी अब हरी अब क्विकली। चैप्टर ये है कॉस्ट फ्लो। कॉस्ट फ्लो जो काफी बातें जैसे मैंने कल आपको पढ़ा दिए वही है यार, तो नई चीजें नहीं इसमें और की, लेकिन हमने इसमें पैटर्न अभी पढ़ने हैं। यानी मैंने जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट पे आपको डिस्कशन करवाई। क्या डिस्कशन करवाई? मैंने बताया आपको यार कि फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स दोनों अलग अलग होते हैं। एक ये डिस्कशन की क्यों, क्योंकि इंटरलॉकिंग सिस्टम में हम दोनों के अकाउंट्स अलग अलग बनाते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम में दोनों के हम अकाउंट्स कंबाइन बना रहे होते हैं। तो क्योंकि हमने इंटरलॉकिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ना था इसलिए मैंने थोड़ा आइडिया दिया कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स में हम क्या कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमने इस पर थोड़ी डिस्कशन की थी। अच्छा, फिर मैंने बताया यार परपेचुअल सिस्टम, पैरेलल सिस्टम ये और पीरियोडिक सिस्टम भी होता है, ये भी हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी बातें जो रिपीट लास्ट लिखी है हमने उसको भी देखना है। यहाँ पे हमदा ने बिल्कुल अच्छी बात की, कहते इंटीग्रेट सिस्टम में हम एक ही अकाउंट बना रहे होते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही सिस्टम, एक ही अकाउंट, और इंटरलॉकिंग सिस्टम में हम अलग अलग अकाउंट्स बना रहे होते हैं, सबके अलग अलग हम सेपरेटली मैनेज करते हैं। और अच्छा एक और चीज से बता दूंगा, अच्छा मैं यहीं पे थोड़ा क्लियर करूं, बेटे नोट करना तो आपने बेशक नोट कर लें या सुनना आप इसमें देखें गौर से। इंटरलॉकिंग कल हमने सवाल किया था बेटा, और कल सवाल में हमने देखा था एक जनरल लेजर बन रहा था हमारे पास, ठीक होगी बात। इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या कहते हैं, हम एक ही अकाउंट बना लेते हैं, यानी एक जनरल लेजर बना लेते हैं। जनरल लेजर में क्या होता है कि जितना हमने कहा था हम लाइक मटेरियल बाय करें तो मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, और हम उसमें कैश को या पेबल्स को हम क्रेडिट नहीं करते, हम जनरल लेजर को क्रेडिट कर लेते हैं। यू कह लो कि जितनी भी हमारी आइटम्स होती हैं, जितनी भी हमारे हेड्स होते हैं, जितनी हमारी कॉस्टिंग होती है, जो कुछ भी हम परचेज कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, सब कुछ हम जनरल लेजर में डाल देते हैं। जनरल लेजर में डाल के फिर वहां से हम निकालते हैं, यानी एक जनरल लेजर सबके लिए बना लिया जाता है। वहां से ही फिर मटेरियल लाइक हम बाय करते हैं, वहां से ही फिर हम वेजेस को पे करते हैं, वहां से ही हम फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स को इनकर करते हैं। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम में होता है। कि इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है कि हम यू कह सकते हैं कि जनरल लेजर विल बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट साइकिल। वो जो कॉस्ट साइकिल हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने कॉस्ट साइकिल, हमने कहा कि डायरेक्ट मटीरियल का एक टी अकाउंट बनता है, हम डायरेक्ट मटीरियल अकाउंट बाय करते हैं, डायरेक्ट मटीरियल को डेबिट करते हैं, डायरेक्ट मटीरियल अकाउंट बनता है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनता है, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट बनता है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट बनता है। फिर हमने बात की थी जितनी डायरेक्ट कॉस्ट WIP वर्क इन प्रोग्रेस में जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट PUH प्रोडक्शन ओवरहेड में जाती है, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड भी WIP में जाता है, फिर WIP फिनिश गुड्स में जाती है, फिर फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में जा रहे होते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो ये सारा क्या था, कॉस्ट साइकिल। इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होगा कि हम एक जनरल लेजर बना लेंगे, जैसे हमने कल सवाल किया था, तो जनरल लेजर विल बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट साइकिल। तो सबसे पहले जो कॉस्ट आएगी जितनी भी हमारे पास जनरल लेजर में आएगी, जनरल लेजर के बाद वो कॉस्ट बाकी सारे अकाउंट्स में वन बाय वन ट्रांसफर की जा रही होगी। तो वी कैन से दैट जनरल लेजर विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट साइकिल। और हम यू भी कह सकते हैं कि वो बेशक हमारे पास इसमें कॉस्ट मैनेजमेंट के अकाउंट्स हैं, बेशक फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, एक जनरल लेजर सबकी नीड को पूरा करेगा, सबके लिए में एक ही बना ली, इसलिए आप इसको रखेंगे जनरल लेजर। तो हम यू कह सकते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम हम कहां अप्लाई कर रहे होते हैं, थोड़ा इसमें लिख देता हूं, बल्कि ना थोड़ा आपको नोट करवाता हूं, मेंशन करता हूं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखेंगे मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, वन बाय वन आगे हम सवालों पे अप्लाई करेंगे, फिर और क्लियर होगी आपको। इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम हम कहां पे अप्लाई करते हैं,
इंटीग्रेटेड सिस्टम हम कहां पे अप्लाई करते हैं, किन किन सिचुएशंस में हम अप्लाई नॉर्मली कर रहे होते हैं। नंबर वन, सबसे मेन बात, सबसे पहली बात क्या, हम इसको वहां पे अप्लाई करते हैं कि जहां पे हमें कॉस्ट साइकिल इज पार्ट ऑफ जनरल लेजर, जीएल मैंने लिख दिया, कि वहां अप्लाई कर रहे होते हैं जहां हमें कॉस्ट साइकिल इज पार्ट ऑफ जनरल लेजर होता है। एक जनरल लेजर बनेगा जिसमें सारी चीजें आ रही हैं, कॉस्ट साइकिल भी इसका पार्ट होगा, कॉस्ट भी वहीं से फ्लो करेगी। तो कॉस्ट साइकिल इज अ पार्ट ऑफ जनरल लेजर, सबसे पहली बात कि हमेशा इंटीग्रेशन सिस्टम में क्या होगा कि ये हम एक जनरल लेजर बनाएंगे, सारी आइटम बेशक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की है, बेशक फाइनेंशियल की, सारी आइटम इसमें डालेंगे, यहां से करेंगे। तो कॉस्ट साइकिल इज अ पार्ट ऑफ जनरल लेजर हम ट्रीट कर रहे होंगे। नंबर टू, ये वहां पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं जहां इन्वेंट्री के सिस्टम क्या होगा, परपेचुअल होगा, पैरेलल होगा, साथ से चल रहा होगा, वहां हम इंटीग्रेट मिक्स इंटरलॉकिंग में अकाउंट अलग अलग बना के हम पीरियडिक ला रहे होते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम जब सारा सिस्टम इकट्ठा चल रहा होता है, यहां पे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हम फॉलो कर रहे होते हैं। हमने पढ़ा था ना परपेचुअल सिस्टम, क्या होता है परपेचुअल सिस्टम, जल्दी बताया मुझे जरा। हाँ जी, परपेचुअल सिस्टम क्या होता है जल्दी बताएंगे बड़ा, सब लोग मुझे जल्दी, पीरियडिक परपेचुअल फर्क जल्दी। हाँ जी बेटा, रिप्लाई करें बच्चे, रिप्लाई रिप्लाई, मुझे रिप्लाई चाहिए। ठीक है ठीक है, सब लोग ठीक बता रहे हैं मुझे, फाइन। ठीक हो गई, एग्जैक्टली फाइन, ठीक हो गई, सब लोग ठीक बता रहे हैं। अब मुझे बताएं पीरियोडिक सिस्टम में क्या होता है, जल्दी जल्दी। पीरियोडिक पीरियोडिक ठीक हो गया, पीरियोडिक सिस्टम में हम अलग से उसको मैनेज करते जा रहे होते हैं, स्पेसिफिक एक पीरियड डिफाइन कर लेते हैं, वी विल डिफाइन अ पीरियड। ठीक हो गया जनाब, डन। अच्छा जी, अब यहां भी क्या होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम में एक तो हमारे पास जनरलाइज बनता है, दूसरा हमने कहा सिस्टम हमेशा परपेचुअल होगा। नंबर थ्री, मटेरियल और लेबर कॉस्ट का हमेशा हम एक्चुअल अप्लाई करते हैं, मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट, ये एस्टिमेटेड कभी नहीं होती। इस सिस्टम में हमेशा क्या होता है, एक्चुअल हम साथ साथ देख रहे होते हैं, एक्चुअली लगा कितना, ये परपेचुअल सिस्टम चल रहा होता है, साथ से इश्यू करता जा रहा होता है और एक्चुअली रिकॉर्डिंग करता जा रहा होता है, हम एस्टिमेट नहीं लगाते इसमें। तो ये मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट किस बेस पे होती है, एक्चुअल बेस पे, हम एक्चुअल किसकी वर्किंग कर रहे होते हैं कि एक्चुअल हमारे पास मटेरियल कॉस्ट कितनी इनकी हुई, एक्चुअल हमारे पास लेबर कॉस्ट कितनी इनकी, ये सब एक्चुअल के बेस पे चल रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैसे, ओवरहेड्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे, वो ओएआर के थ्रू अप्लाइड रेट पे चल रहा होगा हमारे पास, यानी हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है उनको हम कैसे ट्रीट कर रहे होंगे। So factory overheads will be applied. Applied का मतलब क्या है, OAR के थ्रू हम apply करेंगे, absorb करवा देंगे, overhead absorption rate के थ्रू, यानी OAR के थ्रू, overhead absorption rate के थ्रू हम जितने भी हमारे पास overheads होंगे वो हम इसके अंदर absorb करवा देंगे, शामिल कर देंगे, एक यूनिट की cost के अंदर इसको हम शामिल करवा रहे होंगे। तो वो factory overheads will be applied, ये अप्लाइड बेस पे होंगे या एब्जॉर्ब बेस पे होंगे, ठीक हो गया।
उसमें क्या होता है थोड़ा और थोड़ा आगे चल, जिससे हमने कल अकाउंट्स बनाए थे वो सारे के सारे हम अकाउंट्स भी बना रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे अकाउंट्स बना रहे होते हैं प्रॉपर। अकाउंट्स कौन कौन से न्यू अकाउंट्स बनाते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, थोड़ा और मैं इस पर क्लियर करता हूँ। हम रॉ मटेरियल के अकाउंट्स बना रहे होते हैं, बिल्कुल कि हमने रॉ मटेरियल कितने इनक्रीज किया मटेरियल के लिए। इसके अलावा हम अब मटेरियल यहाँ जितना भी रॉ मटेरियल कहाँ ट्रांसफर होता है, ये वर्किंग प्रोग्रेस में जाता है बेटा, तो वर्किंग प्रोग्रेस के भी अकाउंट्स बन रहे होते हैं हमारे पास, जो वर्किंग प्रोग्रेस कितना है हमारे पास वो फिनिश गुड वर्किंग प्रोग्रेस के बाद फिनिश में चला जाता है फिनिश गुड्स के अकाउंट। इसके अलावा वेजेस वगैरह भी होती है मटेरियल के अलावा, वेजेस लेबर के लिए ये इसके अकाउंट्स बन रहा होता है हमारे पास, और इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स वो भी होते हैं हमारे पास, फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी हम यहाँ पे अकाउंट बना रहे होते हैं जितने भी हमारे पास ओवरहेड्स होते हैं। और हमारे पास फर्दर इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो होता ही है, पीएनएल ये अकाउंट हमारे पास बन रहा होता है। तो ये नॉर्मली अकाउंट्स मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल, लेबर के लिए वेजेस, ओवरहेड्स के लिए हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये तीन चीजें होगी। डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर हो जाएगी, इनडायरेक्ट एफओएच एफएचपी डब्ल्यूआईपी में, फिर डब्ल्यूआईपी आगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अल्टीमेटली ट्रांसफर हो रहा होगा। हाँ थोड़ी सी बात कर लें अंडर ओवर कैसे ट्रीट होगा ना, हाँ जी अंडर या ओवर हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें क्या होगा हमारे पास जितना भी अंडर या ओवर होगा, हमने कहा मैंने आपसे बात की थी कि अंडर ओवर का हम दो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो कॉस्ट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉफिट में। इसमें हमारे पास जितना भी अंडर या ओवर एब्जॉर्ब होगा अंडर ओवर, ये डायरेक्ट हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, हम यानी हम कंबाइंड सिस्टम में डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसको एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। क्या होगा अगर मैं मेंशन कर दूं इसको किस तरह से, मैं ये कहूंगा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन जितनी भी हो रही होती है हमारे पास, ओवर एब्जॉर्प्शन जितना भी अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्ब, ये कहां जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसकी एंट्री करेंगे, यानी हम अपने प्रॉफिट में इसके एडजस्टमेंट करेंगे, हम इसको कॉस्ट में एडजस्ट नहीं करेंगे। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है कि डायरेक्ट इसकी एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कर देते हैं, यानी अगर हमारे पास अंडर एब्जॉर्ब है तो अंडर एब्जॉर्ब हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस में मैं क्या करूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट अंडर एब्जॉर्ब क्रेडिट कर दूंगा बेटा। अगर मेरे पास ओवर एब्जॉर्ब है, ओवर एब्जॉर्ब मुझे फायदा होता है इनकम होती है, तो मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, फिर वो बढ़ेगा ना, तो ओवर एब्जॉर्ब डेबिट और मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी ये कुछ आइडिया होगा बेटा आप सबको कि हम इंटीग्रेटेड सिस्टम में चीजें कैसे लेके चल रहे होते हैं, किस किस तरह अप्लाई कर रहे होते हैं। देखें जरा इसको, कुछ सवाल है मुझे पूछे इफ यू हैव एन इश्यू। अच्छा एंट्रीज क्या करेंगे, एंट्रीज तो पता ही है आपको यार, चलो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेते हैं। जनरल एंट्री बताएं तीन कुछ थ्री जनरल एंट्रीज बताएं, मुझे बताएं मटेरियल की एंट्री क्या होगी, लेबर की एंट्री क्या होगी और ओवरहेड की एंट्री क्या होगी, जल्दी बताएं, फिर मैं बुक से एग्जांपल भी आऊंगा अभी जल्दी। सब लोग दिमाग यूज करें बेटा खुद, हमने कल सवाल भी किया हुआ है। एंट्रीज बताएं मुझे जरा कि मटेरियल के लिए, वेजेस के लिए और ओवरहेड के लिए क्या एंट्री होगी। सारी चीजें कहां से आएंगी, जनरल लेजर से आएंगी ना, जल्दी मुझे बता दें यार, चले हम यू कर लेते हैं यार, ये हमें हरिया भरिया भरिया मेटीरियल के लिए वेजेस के लिए हम यहां पे सारी चीजें कहां से लेके आएंगे बड़े जनरल लेजर से लेके आएंगे, तो हम यू कह लेंगे मटेरियल अकाउंट डेबिट जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट, वेजेस अकाउंट डेबिट जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट, ओवरहेड अकाउंट डेबिट जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट। तो ये हमारा स्टेप वन, हम सारी की सारी चीजें कहां से लेकर आ रहे हैं, जनरल लेजर से लेकर आ रहे हैं। फिर अल्टीमेटली हमारे पास जितने भी मटेरियल अकाउंट है और वेजेस है, ये कहां ट्रांसफर होगा, ये डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा, तो डब्ल्यूआईपी डेबिट और ये मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, वेजेस अकाउंट क्रेडिट।
और हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो भी अल्टीमेटली क्या होगा, वो कहां ट्रांसफर हो जाएंगी, वो भी हमारे पास सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे WIP के अंदर। फिर अल्टीमेटली एक एंट्री करेंगे फिनिश गुड्स डेबिट WIP क्रेडिट, फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड्स हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और फिर इसी तरह से हमारे पास अंडर ओवर एब्जॉर्ब जितना भी होगा वो डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और अंडर ओवर अकाउंट क्रेडिट करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले जाएंगे आप। तो ये कुछ एंट्रीज हम यहाँ पे पास करते हैं, जो हमने पढ़ा भी था कि एंट्रीज कुछ इस तरह से ट्रीट की जा रही होती है। ठीक हो गया, किसी एंट्री में कोई मसला बैठा है, मैंने हमें एंट्रीज हमने कल की है सारी, वही एंट्री जो मैंने कल बताई थी आपको। अगर मैं यहां पे स्टडी टेक्स्ट पे आता हूं थोड़ा सा, चलिए थोड़ा स्टडी टेक्स्ट तो देखते हैं, मेरे पास एग्जांपल्स होंगे शायद, अच्छी वाली एग्जांपल्स। वेट, क्या करना है मैंने, अभी मैं इंटरलॉकिंग में नहीं है, अभी इंटीग्रेटेड पे हो गया बेटा। एक मिनट देख लू सैंपल, हाँ जी ये सवाल हम देखेंगे यहां पे, इस सवाल को आपने देखना जरा, दिस इज अ क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इसको, थोड़ा इस सवाल को देखना आपको, इंटीग्रेटेड अकाउंट बना हुआ है और ये एग्जांपल आपके सामने है और ये इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के लिए हम एग्जांपल यूज करेंगे। मैंने कल आपको पढ़ाया भी है, जनरलाइज्ड एक सवाल भी कराया, आपने इसको आपको ट्राई करना था। अभी सब लोग देखेंगे, अभी सवाल रीड करें, चले पहले आप सवाल रीड करें फिर मैं अप्लाई करवाता हूँ। रीड आउट द क्वेश्चन,
अब इस सवाल से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, लाइक मैं ये आपसे डिस्कस कर लेता हूं। चलिए ये देखें आप, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस कर लें थोड़ा सा। कहते हैं कि सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स यूजिंग अ कॉमन इनपुट ऑफ डेटा। ये दोनों के कॉमन इनपुट ऑफ डेटा को यूज करते हुए अकाउंट्स बना रहा होता है, इसमें इंटीग्रेट बोलते हैं। अ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उसके एक सिंगल सेट के थ्रू हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिसमें कॉस्ट के अकाउंट्स भी आ रहे होते हैं, जो फाइनेंशियल के भी अकाउंट्स और एक कॉमन डेटा को हम यूज करते हैं। अ सिस्टम वेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग इज कैप्ट इन अ सिंगल सेट ऑफ बुक्स। ठीक हो गया, एक सिंगल सेट ऑफ बुक्स में सारी चीजें हम यहां भी मेंशन करते जा रहे होते हैं। एज द नेम सजेस्ट द कॉस्ट अकाउंट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू द एंटिटीज बुक कीपिंग सिस्टम, देयर इज अ सिंगल जनरल लेजर व्हिच इंक्लूड्स द कॉस्ट अकाउंट्स। ये क्या बात है उसमें आप, देयर इज अ सिंगल जनरल लेजर व्हिच इंक्लूड्स द कॉस्ट अकाउंट्स, यानी एक सिंगल जनरल लेजर बना लेते हैं और जनरल लेजर के थ्रू हम इनको ट्रांसफर करते जा रहे हैं। अच्छा, वो तो मैंने आपको एक कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंट्री बताई ना, जैसे हम कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, जनरल लेजर बना रहे थे कि हमने लाइक मटेरियल परचेज किया तो मटेरियल अकाउंट डेबिट, जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट। लेबर, हमने लेबर को पे करना है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट। ओवरहेड के लिए हमने पे करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट और जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट। अब जनरल लेजर में कहां से चीजें आएंगी, हमें मटेरियल कहां से आएगा, मटेरियल परचेज भी तो करेंगे ना हम यहां पे। तो सबसे पहले मैंने मटेरियल परचेज किया, वो क्या एंट्री की होगी, लाइक थोड़ा सा मैं इसमें बता दूंगा आपको। मैं कहूंगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल्स को मैंने क्रेडिट किया होगा, ऐसे ही ना बेटा। फिर मैंने कैश या पेबल्स को क्रेडिट कर दिया होगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। फिर मैं जनरल लेजर अकाउंट को डेबिट करके वो मटेरियल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूं। बताने का मतलब ये है, जब हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट बन रहे होते हैं तो हम लाइक एंट्री करते हैं मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल्स क्रेडिट। ठीक होगी बात बेटा। जब हम कॉस्ट अकाउंट्स बना रहे होते हैं मटेरियल अकाउंट डेबिट और एक जनरल लेजर, देयर इज अ सिंगल जनरल लेजर व्हिच इंक्लूड्स द कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, एक सिंगल जनरल लेजर बना लेते हैं तो मटेरियल अकाउंट डेबिट और हम यहां पे जनरल लेजर अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं। तो जनरल लेजर से फिर हम क्या करते हैं, उन निकाल की चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लाइक फिर मैं ये कहूंगा कि जनरल लेजर अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट, तो मैंने अब यहां पे सारा मटेरियल कहां आ गया, जनरल लेजर में ट्रांसफर कर देंगे, तो वहां से हम आगे फर्दर रिस्पेक्टिव ट्रांसफर करते जा रहे होंगे। लेकिन जब कॉस्ट एंड फाइनेंशियल दोनों कंबाइन अकाउंट्स बनेंगे तो कंबाइन में जनरल लेजर और जनरल लेजर कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया ना, यानी मैं क्या करूंगा, पहले जनरल लेजर को डेबिट किया होगा मैंने, उसमें चीजें ट्रांसफर की होंगी, बाद में उसको क्रेडिट किया होगा, तो ये खुद ही कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो जनरल लेजर इस्तेमाल तो हो रहा होगा लेकिन वो कैंसिलेशन हो जाएगी उसमें। तो इसलिए हम कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स दोनों कंबाइन ही चला रहे होते हैं, तभी मैं इस पर भी बात करता हूं। आगे डबल एंट्री इज सिंपली द नॉर्मल डबल एंट्री एसोसिएटेड विद द मेंटेनिंग अ सेट ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग द एंट्रीज ऑफ डिस्क्राइब्ड अबव। इन सब की हम सब की डबल एंट्री यहां पे कर रहे थे। तो जब डबल एंट्री होगी हमारे पास तो जनरल लेजर कैंसिल हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है फिर मैं जनरल लेजर को भी यहां शो करूं। जनरल लेजर का फिर हम अकाउंट्स नहीं बना रहे होते, नॉर्मली कॉस्ट अकाउंट हम जनरल लेजर बनाते हैं, लेकिन जब हम कंबाइन चला रहे होते हैं तो दो एंट्री जब करते हैं, एक दफा जनरल लेजर डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है, तो खुद ही कैंसिल हो जाता है। तो अल्टीमेटली एंट्री वही बन जाएगी हमारे पास, तो मटेरियल अकाउंट डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट वही एंट्री ही बन रही होगी, या तो दो एंट्री करें या इसी करें, तो हम इसी को चला रहे होते हैं। अच्छा, डबल एंट्री सिंपली द नॉर्मल डबल एंट्री एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग अ सेट ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग द एंट्रीज डिस्क्राइब्ड अबव। इन प्रैक्टिस मोस्ट कंपनीज ऑपरेट अ टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम को बहुत जगह पे फॉलो किया जा रहा होता है जनाब। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब ये इंटीग्रेट में फायदा क्या होगा, यार दोनों कंबाइंड सिस्टम काम करे होंगे तो डुप्लीकेशन वर्क नहीं होगा, सबसे पहले डबल काम नहीं करेंगे, एक ही सिस्टम पे काम करेंगे, रिकनसाइल नहीं करना पड़ेगा, खुद ही रिकनसाइल करता जा रहा होगा, प्रॉफिट फिगर एक सिंगल ही निकलेगी हमारे पास, अकाउंट वाले अलग और कॉस्ट वाले अलग फिगर ही निकाल रहे होंगे। तो ये एक मेन चीज इसमें। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, वैल्यूएशन कैसे होगी, ये थोड़ा इशू आ जाता है यहाँ। सिंगल सिस्टम फॉर द एक्सटर्नल रिपोर्टिंग एंड प्रोविजन ऑफ द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, जितनी भी हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंट्स मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे होते हैं, दोनों के कॉस्टिंग मेथड डिफरेंट होते हैं, तो ये थोड़ा मसला आ जाएगा इसके अंदर। हाँ जी, अब यहां भी मैं थोड़ा बता दूं आपको, डायग्राम में थोड़ी एंट्रियां देख लेते हैं क्या एंट्री की हुई यहाँ पे।
कहते यहाँ पे हम सबसे पहले पे करते हैं। देखना अब उसने क्या किया कि अब यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, डायग्राम शोज द वेरियस लेजर अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग एंट्रीज यूज्ड विद इन द जनरेट इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंटिंग फ्लो इज इंटीग्रेटेड। अब यहाँ पे क्या होगा कि जनरल लेजर सर कैंसिल हो जाएगा, फिर इसलिए हम जब कंबाइंड सिस्टम चला रहे होंगे यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम चला रहे होंगे तो जनरल लेजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, जनरल लेजर मींस द पार्ट ऑफ द कॉस्ट साइकिल तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम अलग से कॉस्ट अकाउंट्स ही बना रहे हों तो जनरल लेजर को हम यूज करते हैं, अलग से हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहे हो फिर यूज नहीं करते, लेकिन कंबाइंड में भी कैंसिल हो जाता है हम इसको यूज नहीं कर रहे होंगे। तो एंट्रियां कैसे होंगी उसने बताया, जैसे इट विल बी सेम लाइक द नॉर्मल एंट्री, जिस तरह से हम नॉर्मल एंट्री किया करते हैं ये नॉर्मल एंट्री की तरह ही होगा बेटा, कोई नई चीज इसमें नहीं होगी। तो सबसे पहले हाँ जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मटेरियल परचेज किया तो कैसे डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा, जल्दी सा देख लीजिएगा, मटेरियल अकाउंट डेबिट मैंने कहा जनरल लेजर को नॉर्मली हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड बना रहे होंगे तो जनरल लेजर कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली एंट्री वो ही होगी जो नॉर्मल एंट्री है। तो आपने दिमाग में ये रखना कि जो आपकी नॉर्मल एंट्री वही एंट्री यहाँ पे पुट कर रहे होंगे। तो क्या नॉर्मल एंट्री होती है, डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल्स क्रेडिट, तो मटेरियल को डेबिट करते हैं कैश या पेबल्स को हम क्रेडिट करेंगे तो वो क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, इसमें डायरेक्ट लेबर डेबिट, कैश या पेबल्स क्रेडिट कर दें इसको, ये नॉर्मल कैश भी होता है। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल्स क्रेडिट, ये नॉर्मल जो एंट्री हमारे पास होती है। फिर उसी तरह जितना भी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है अल्टीमेटली वो WIP में चली जाती है, जितनी भी हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जा रही होती है, और ओवरहेड्स में भी अल्टीमेटली कहां मूव करना होता है, तीनों ने WIP में मूव करना होता है। फिर WIP ने कहां जाना है, उसने फिनिश गुड्स में चले जाना होता है, और फिनिश गुड्स ने आगे कहां जाना है, उसने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारे पास चले जाना है। इसी तरह हम सेल्स करें होंगे तो क्या एंट्री करेंगे, हम सेल्स क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, रिसीवेबल्स को डेबिट कर रहे होंगे या कैश को उसमें डेबिट कर रहे होंगे। तो सेल्स भी अल्टीमेटली कहां आ जाएगी हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड जितने भी हमारे ये बात कर लेंगे डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगा, अंडर ओवर अब्सॉर्ब होता है वो भी डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आ जाएगा। इन अकाउंट्स में कोई मसला, इस फ्लो चार्ट में कोई मसला है यार, इज देयर एनी इशू इस फ्लो चार्ट में, कोई मसला पहले फ्लो चार्ट में मुझे कोई मसला तो बताए, इज इट क्लियर, फिर आप सवाल कर सकते हैं अगर ये फ्लो चार्ट में मसला नहीं है आपको। नॉर्मल एंट्री जिस तरह से होती है यानी कंबाइंड सिस्टम जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं वो एक नॉर्मल सिस्टम की तरह चलते हैं। आप इसे स्टेप वन में क्या करना है, मैं थोड़ा रिपीट कर दूं, स्टेप वन तीन एंट्रियां पास करनी है आपने, तीन एंट्रियां कौन कौन सी, यानी मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल्स क्रेडिट, लेबर अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल्स क्रेडिट, ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट और कैश या पेबल्स क्रेडिट, ये पहला स्टेप हो गया, क्लियर। एक बच्चा पूछा सर इसमें जनरल लेजर कहां, बेटा मैंने अभी बताया कि जनरल लेजर को एक दफा डेबिट करेंगे एक दफा क्रेडिट करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल इसलिए हो जाएगा कि हमने जनरल लेजर से निकाल के चीजें बाकी सारे अकाउंट्स में डालनी होती है, और जनरल लेजर में चीजें कहां से आएंगी वो उसी तरह से जहां मार्केट से बाय करेंगे। तो जब हम कंबाइंड सिस्टम इंटरलॉकिंग सिस्टम चला रहे होंगे जनरल लेजर से कैंसिल हो जाएगा, हम इसकी जगह ये कैश या पेबल्स को हम यूज कर रहे होंगे, ठीक होगी बात, जरूरी नहीं है आप इसको बताएं, अब मैंने एक आइडिया दिया था आपको, इग्नोर द जनरल लेजर पूरे कहीं आगे फिलहाल डिस्कशन नहीं आएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम नॉर्मल सिस्टम से चल रहे होंगे, हाँ जी चलें आगे चलते हैं बेटा, हमसे बेटा समझ आ गई आपको बात, इंटीग्रेटेड सिस्टम में जब दो एंट्री होंगी तो ये क्लियर हो जाएगा हमारे पास। अच्छा जी तो स्टेप वन पे एंट्री कौन कौन सी होगी, स्टेप से याद रखने आपने, स्टेप वन इधर गौर से, स्टेप वन क्या होगा, पहला स्टेप हम तीन एंट्रियां पास करेंगे, डायरेक्ट मटीरियल डेबिट, कैश या पेबल्स क्रेडिट, डायरेक्ट लेबर डेबिट, कैश या पेबल्स कैश या तो क्रेडिट, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैश या पेबल्स क्रेडिट, ये तीन एंट्री होंगी स्टेप वन पे, क्लियर। स्टेप टू, स्टेप वन पे तो हमने ये तीन एंट्रियां पास कर दी, स्टेप टू पे हम क्या करेंगे, अब स्टेप टू पे हम यहां पे फर्दर थ्री एंट्रीज पास करेंगे, क्या करेंगे यहां पे, जितना भी डायरेक्ट मटेरियल कहां जाएगा, वर्किंग प्रोग्रेस में, वर्किंग प्रोग्रेस डेबिट, डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट, हमारे पास वर्किंग प्रोग्रेस डेबिट, डायरेक्ट लेबर क्रेडिट, वर्किंग प्रोग्रेस डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, यानी सारी तीनों एंट्री जो हमने की थी सारी की मटेरियल लेबर और ओवरहेड सारी कॉस्ट कहां ट्रांसफर हो जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। तो स्टेप टू में वर्किंग प्रोग्रेस को डेबिट करते जाएंगे और ये मटीरियल को लेबर को ओवरहेड को हम क्रेडिट करते जा रहे हैं, ठीक हो गया यहाँ पे। स्टेप थ्री क्या होगा, सारा वर्किंग प्रोग्रेस कहां चला जाएगा, हाँ जी सारे के सारे स्टेप थ्री, सारा वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट,
तो पहले स्टेप में मैंने बताया तीन एंट्री है, मटेरियल की, लेबर की, एक्सपेंस की। दूसरे स्टेप में बताया फिर तीनों एंट्रीज, लेकिन कहां किसको डेबिट करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करेंगे। स्टेप थ्री में बताया कि एक ही एंट्री करनी है आपने, फर्नीचर डेबिट और वर्क इन प्रोग्रेस को हम क्रेडिट कर रहे होंगे। स्टेप फोर, हाँ जी, दो एंट्रियां आपने करनी है इसमें, कौन कौन सी जल्दी बताओ। एक तो स्टेप फोर में आपने करना सारा फर्नीचर उठाकर कहां ट्रांसफर करना आपने। एक बच्चा पूछ रहा था यहाँ वेजेस कंट्रोल अकाउंट या वेजेस कंट्रोल अकाउंट बना लें या डायरेक्ट लेबर अकाउंट बना लें, एक ही बात है बेटा, ये एक ही बात है, बस ये सिस्टम कुछ इंटीग्रेटेड सिस्टम। देखिए इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, इंटीग्रेट करना, फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंट को मर्ज करना। ये जो वेजेस कंट्रोल अकाउंट, लेबर कंट्रोल अकाउंट, प्लांट कंट्रोल अकाउंट, ये सारी जो वर्डिंग है ना, ये कॉस्ट अकाउंट की वर्डिंग होती है। ये जो भी मैं यूज कर रहा हूं ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स की वर्डिंग है, वर्डिंग का बस फर्क है। तो मैं लेबर बोल रहा, ये वेजेस कंट्रोल एक ही बात है, ठीक होगी बात। तो यहां नॉर्मली हम इसी तरह से हम इसको ट्रीट करते जा रहे होते हैं, तो यहां वर्डिंग यही यूज होगी। इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर वर्डिंग का बस फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। जैसे आपने ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट कभी FR1 या FR2 में नहीं पढ़ा होगा, बहुत ही कम पढ़ा होगा। अभी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इस तरह की वर्डिंग वहां नहीं पड़ती, वर्डिंग का थोड़ा फर्क होता है। जैसे वहां पर आई थिंक WIP नहीं आपको भी पढ़ते, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं पड़ती। कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट, कुछ टर्मिनोलॉजीज कॉस्ट की हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज फाइनेंशियल वालों की है, कंबाइन करके उन्होंने समझ लिया कि सॉफ्टवेयर टाइप या सिस्टम टाइप बनाया हुआ, वो कंबाइन ही चलता जा रहा होता है, दोनों की अलग अलग वर्डिंग उसमें चलती जा रही होती है। अच्छा जी, स्टेप थ्री में एक ही एंट्री फाइनेंशियल डेबिट, WIP क्रेडिट। स्टेप फोर में क्या करेंगे, दो एंट्री है, हमने सारा फर्नीचर्स कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट फर्नीचर्स अकाउंट करेंट, ये एक एंट्री होगी। और एक एंट्री ना, दूसरी एंट्री क्या होगी, यहां पे सेल्स हम यहां पे वैल्यू जो हमारे पास होगी, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। और एंड में जाके अंडर या ओवर एब्जॉर्ब की भी हम एक एंट्री कर रहे होंगे, यानी हम अंडर या ओवर एब्जॉर्ब को भी अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। इस पूरे कॉस्ट साइकिल में कोई मसला है, दिस इज इट क्लियर, अंडरस्टैंड। लेकिन अब सवाल आपने करना है, अब आप आराम से सवाल कर सकते हैं। नाउ यू कैन देखिए तो आप सवाल, नहीं अब सवाल पढ़ना आप। स्टेप वन तीन एंट्रीज है, वो तीनों एंट्री पहले आपने ढूंढे, तीनों एंट्री करें। स्टेप वन वाली मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। स्टेप वन में तीन एंट्रीज आपने पास करनी, स्टेप वन में तीन एंट्रीज आपने पास करनी है, मटेरियल की एंट्री पास करनी है आपने, लेबर की एंट्री पास करनी है आपने और ओवरहेड की एंट्री पास करनी है आपने। तो स्टेप वन तीन एंट्रीज आपने सबसे पहले इसको आपने पुट करना। सबसे पहले मुझे मटेरियल की एंट्री बताएं, स्टेप वन में सबसे पहले मटेरियल की एंट्री क्या होगी, जल्दी सब लोग ट्राई करें, ढूंढे, अप्लाई करें। मटेरियल 28,000 की चीज कितने का परचेज किया, 77,000 की एंट्री बताएं। सपोज कर लें कैश पे नहीं, पेबल्स पे, जल्दी एंट्री बताएं मुझे इसकी।
एंट्री बेटा मटेरियल की एंट्री, मटेरियल टू कैश कर लें या हम इसमें मटेरियल टू पेबल्स कर लेंगे 77,000, ठीक हो गया। तो ये इसको रॉ मटेरियल टू पेबल कर लेंगे। इन्वेंट्री का भी हम वर्ड वैसे यूज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यू। तो इन्वेंट्री का डेबिट, पेबल्स का क्रेडिट 77,000 से। अब वेजेस की एंट्री करके दिखाएं मुझे, वेजेस नॉर्मली पेबल्स नहीं होते, लेट नहीं पे करते हम, कैश ही पे करते हैं उनको। ये 96,000 की अमाउंट दी हुई, 70 बताया मुझे, इतना आपने 96,000 आपने जो एक्चुअली पे किया है। अच्छा ये भी मैं अभी आपको अभी लेबर का एक चैप्टर पढ़ाना है उसमें ये भी मैं बातें क्लियर करूंगा कि लेबर को हमने कितना पे किया यार, 96,000 हमने पे किया। पेड किसके हिसाब से हो रहा है, 16,000 घंटों से हो रहा है, मैं बताऊंगा अभी आपको ये बात ना, लेबर के चैप्टर पढ़ाना आपको। तो 16,000 घंटों का हम उसको पे करें, कितना पे करें 96,000। काम कितनी देर किया उन्होंने, 15,000 घंटे काम किया। तो यूं कह लेंगे आपको 15,000 घंटों के जो पैसे हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट है, इतने घंटे उन्होंने काम किया ना ये डायरेक्ट कॉस्ट है। 1,000 घंटा जो हम अलग से उनको पे कर रहे हैं ना, 1,000 घंटा जो हम उन्होंने प्रोडक्शन की भी नहीं, वो 1,000 घंटा वो जरूर आइडल टाइम होगा, ओवर टाइम होगा, गुस्सा का टाइम होगा, सारी वो इनडायरेक्ट लेबर होती है। यानी 16,000 के अंदर हम जो बात करेंगे ना, 1,000 को फिर निकालेंगे हम, उसके अलग से एंट्री भी पास करेंगे, खैर उसको भी मैं जाऊंगा अभी। तो अभी आपने क्या करना है ये मुझे बताना है कि लेबर की एंट्री क्या होगी, लेबर को हम किस तरह से क्या एंट्री पुट करेंगे। ठीक हो गया जनाब, 96,000 से आप लेबर को डेबिट कर दें और कैश को क्रेडिट कर दें। अब मुझे ओवरहेड की एंट्री बताएं जल्दी से, थोड़ा मैं यहां पे क्लियर कर दूं, यहां भी थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। चलो ये देखेगा, एक आइडिया वैसे देता हूं आपको, ये लेबर को हम किस तरह से पे कर रहे हैं, लेबर के बारे में थोड़ी सी बात। लेबर को मैं पे कर रहा हूं 96,000, ठीक हो गया यार। मैं कितने घंटों का पे कर रहा हूं, मैं 16,000 घंटों का पे कर रहा हूं, ठीक हो गया। तो पर घंटा क्या रेट है, रेट निकालना जल्दी, एक घंटे का मुझे रेट बताएं बेटे, क्या रेट आता है। क्या रेट निकला, सिक्स, डन, सिक्स रेट निकला। देखिए पहले मैंने क्या एंट्री की, ये मैंने लेबर को कितना पे किया, 96,000 पे किया, इसकी ये 16,000 घंटे का मैंने पे किया। तो मैं अगर इसकी एंट्री करूं तो क्या करूंगा, लेबर लिखूं, ये डायरेक्ट लेबर ना लिखूं मैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही है इसके अंदर। मैं यहां एंट्री करता हूं, यहां करता हूं, एक मिनट जरा, चले मैं यहां एंट्री बेटे करता हूं। अच्छा मैंने लेबर को पे किया, कितना पे किया सवाल में देखते जरा, 96,000, और ये यूं कह लें कि 16,000 घंटे का पे किया मैंने, काम किया उन्होंने 15,000 घंटे, प्रोडक्शन कितनी देर की हुई उनकी 15,000 घंटे बेटा। तो 15,000 घंटे की जो प्रोडक्शन हुई है ना, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 1,000 जो एक्स्ट्रा पे करो वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो 96,000 में उसको टोटल पे कर रहा हूं, तो मैं इसके लिए यू एंट्री पास कर सकता हूं कि 96,000 में कहते हो वेजेस को मैं डाल देता हूँ, वेजेस कंट्रोल अकाउंट या लेबर अकाउंट कह लें, लेबर तो नॉर्मली यूज करते हैं, वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट डेबिट करने कितने थे 96,000 से। क्या पे करें होंगे आप इनको, कैश पे करें होंगे, कैश को आप क्रेडिट कर दें 96,000 से। अब वर्किंग कर लेंगे, 6 पर आवर था ना हमारे पास, अभी मैंने बात की कि 96,000 ने पे किया 16,000 घंटे का, पर आवर रेट कितने 6 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई 1 कर ले 1,000 से, 1,000 घंटे की बात करें, 1,000 से कितनी कॉस्ट होती है 6,000। तो मैं यही कहूँ इस 96,000 में, 96,000 में जो 6,000 की जो कॉस्ट, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट लेबर की। तो इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कहां जाती है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाती है। तो मैं यू कर सकता हूं कि यहां अब मैं रीक्लासिफाई कर लेता हूं कि प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट को मैं डेबिट कर लेता हूं, कितने से 6,000 से, 6,000 उसमें ट्रांसफर कर लेता हूं, कहां से, ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट से निकाल के। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट को मैं क्रेडिट करता हूं कितने से, इस 6,000 से। तो देखिए ना ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट में क्या होगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में बेटा पहले कॉस्ट कितनी थी हमारे पास,
हाँ जी बेटा, पहले कॉस्ट कितनी है 96 सर, जो एंट्री की है 96 से मैंने उसको डेबिट किया हुआ है, अब मैंने इसको कितने से क्रेडिट कर दिया 6000 से, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली रिमेनिंग कितना रह जाएगा हमारे पास 90,000 रह जाएगा। तो यू कह लेके 96,000 की टोटल कॉस्ट थी हमारे पास, ये डायरेक्ट लेबर की भी थी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी थी। तो या तो मैं पहले ही एंट्री उस तरह से कर लेता, वो भी ठीक था कि मैं 15,000 की वर्किंग कर लेता, मैं पहले एंट्री क्यों कर लेता कि 15,000 की कॉस्ट निकालता, 15,000 मल्टीप्लाई 6 तो ये मिलना बनना था 90,000, तो मैं एंट्री ये पास करता कि मैं वेजेस कंट्रोल अकाउंट में इसमें यूं लिख लेता डायरेक्ट लेबर, कि डायरेक्ट लेबर डेबिट हो गया 90,000 से और कैश क्रेडिट हो गया हमारे पास 90,000 से। फिर मैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स को जाके 6,000 से डेबिट कर देता और कैश को मैं क्रेडिट कर लेता, या मैंने सारी कॉस्ट कहाँ डाल दी है, अगर सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर दोनों एक ही में डाल दी, तो फिर मैं इसमें से फिर जितने भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है अगर कोई इसके अंदर है तो यहां से निकाल के मैं कहाँ डाल दूंगा, पीयूएच में डाल दूंगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाके उसको हम पुट करेंगे। जितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो पीयूएच में हमेशा जा रही होती है। तो ये कि हम थोड़ी सी रिकनसाइलिंग टाइप एंट्री कर रहे होते हैं यहाँ। यहां तक समझ आई बात? ये बात अभी मैं क्लियर करूंगा आपको, लेबर का चैप्टर पढ़ाना आपको, लेबर में बताऊंगा कि ये कॉस्ट इनडायरेक्ट कैसे, तो वो लेबर जो प्रोडक्शन में काम कर रही होती है डायरेक्टली उनको जो पे करते हैं वो डायरेक्ट लेबर होती है, जो एक्स्ट्रा पे किया जा रहा होता है काम किए ही नहीं वो फिर भी उनको पे किया जा रहा होता है तो वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। हाँ जी, इसमें कोई मसला? देख लें इसकी इस एंट्री को देख लें। बच्चा पूछे डायरेक्ट लेबर डेबिट 90,000, पीयूएच डेबिट 6,000, कैश ये भी ठीक है यार, कंबाइन एंट्री कर दें इट्स गुड फाइन, ये एंट्री भी ठीक है। यहां तक कोई मसला बेटा? ये काम से क्लियर? चलो आगे जरा। चले ये क्लियर है तो हम वापस आते हैं। अब ओवरहेड्स की एंट्री मुझे बताएं जरा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की एंट्री कितने ओवरहेड्स आप लगा रहे हैं यहां पर, एंट्री बताएं मुझे क्या एंट्री होगी। हाँ बेटा ओवरहेड की एंट्री बताएं जल्दी, ओवरहेड की क्या एंट्री होगी मतलब 257 के ओवरहेड से। ओवरहेड से कैश इस अमाउंट से कर देंगे, डन दिस इज फाइन, ये क्लियर हो गया। आगे और आगे की बात की जा रही है जनाब, कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए तो ठीक है, पहले हमने मटेरियल की एंट्री कर दी। अच्छा अच्छा, एक और चीज यहां पे बात की जा रही है, वो क्या बात की जा रही है? हाँ जी, ये पहले स्टेप तो हमने कर लिया, आगे स्टेप टू पे आता हूं मैं जरा। हमारे पास वर्किंग, अच्छा ओपनिंग की इन्वेंट्रीज दी हुई थी, ओपनिंग इन्वेंट्रीज कौन कौन सी दी हुई जरा इसको देखिएगा बेटा। हमारे पास अब यहां पे जो बात की जा रही है, मैं थोड़ा इसमें क्लियर करता हूं। हमने मटेरियल परचेज कितना किया, हमने 28,000 परचेज किया, इतनी गया ठीक हो गया बेटा। अब मटेरियल क्या किया हमने, इश्यू कर दिया, स्टेप टू पे हम जा रहा हूं। हमने सारी कॉस्ट मटेरियल की लेबर की ओवरहेड की कॉस्ट कहां स्टेप टू में ट्रांसफर करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में, तो वर्क इन प्रोग्रेस के बाद करने जा रहे हैं। हमने मटेरियल इशू किया कितना, 30,000 केजी इशू किया यार, हमने 25,000 किए। अच्छा हमारे पास 10,000 केजी पहले पड़े और इसकी कॉस्ट कितनी, 25,000। हम सिस्टम भी कौन सा फॉलो करें, फाइफो सिस्टम फॉलो करें, तो फाइफो सिस्टम के मुताबिक हम ये बताएं हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, पहले 10,000 जो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं उसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक हो गया, फिर हम यहां से ट्रांसफर करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो मैं कॉस्ट यहाँ पे ये कैलकुलेट की हुई है, ये 77,000 की जो कॉस्ट है ये कितने के जी की, कितने के जी यहाँ पे 28,000 है, 28,000 से डिवाइड कर लें
वो क्या रेट आ रहा है पर केजी? एक केजी का रेट क्या है? हम इस पे चले जाते हैं, जरा इस पे कर लेते हैं। हाँ जी बेटा आप बताएं मुझे, 77,000 की कॉस्ट है, कितने केजीज की ये कॉस्ट है? ये कॉस्ट है 28,000 की मैट, तो 28,000 से डिवाइड किया, ठीक हो गया। पर कि अभी रेट क्या निकला यहां पर? 2.75 रेट आ गया। अब जब मैं कितने केजी इशू कर रहा हूं यहां पे, सवाल पे वापस आता मैं इशू करूं 30,000 केजी, तो 10,000 तो पहले वाले होंगे ना, उसकी 25,000 कॉस्ट है, तो ठीक है। मैं जब इशू करूंगा तो 10,000 केजी तो पहले वाले इशू कर दूंगा, उसकी 25,000 की कॉस्ट है बेटा। अब टोटल 30,000 इशू करना, तो 20,000 कहां से इशू करूंगा? 20,000 में जो मैंने अभी परचेज किए, अभी जो मैंने 20,000 परचेज किए हैं, पर केजी रेट क्या है? 2.75 का रेट है। करें जी मल्टीप्लाई, जरा ये 20,000 ये, और हमारे पास और 10,000 हमारे पास पहले पड़ा हो, 10,000 केजी पहले पड़े हुए, उसकी कॉस्ट 28,000 और इसकी कॉस्ट कितनी है? ये हमने अभी जो मटेरियल बाय किया, हमने 77,000 बाय की केजी, 77,000 की कॉस्ट पे की है और 28,000 केजी हमने बाय किए, तो डिवाइड करके मैं रेट निकाला, ये रेट मेरे पास इतने रुपीज पर केजी का रेट था। तो मैंने कहा फाइफो मेथड में क्या होता है कि पहले जो इन्वेंट्री परचेज की वो पहले इशू होती, तो पहले 10,000 की कॉस्ट जो पहले हमने यूज की, हमने पे की उसको यूज करेंगे, और अभी 20,000 जो हमने परचेज किया उसमें से इशू करेंगे, तो उसका रेट निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो अभी की कॉस्ट 55 है, ओपनिंग की कॉस्ट 25, तो ऐड किया तो क्या बनते हैं दोनों को ऐड कर लें, टोटल कॉस्ट क्या आती है? ठीक हो गया बेटा। तो क्या करेंगे यहां से हम, फिर 80,000 से मैं वही एंट्री करूंगा, सारी कॉस्ट ने कहा जाना डब्ल्यूआईपी में, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट को डेबिट कर दूंगा मैं 80,000 से बेटा, और पीयूएच हमारे पास ये इन्वेंट्री या रॉ मेटेरियल अकाउंट कह ले, या इन्वेंट्री अकाउंट कह ले या रॉ मेटेरियल अकाउंट कह ले, इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा इस 80,000 से। ये बात समझ आई बेटा, इसमें कोई मसला? Is it clear? Understand? यहां तक मसला भी एंट्री में मैंने आपको बता दी, हमने एंट्री कौन सी पास करनी, तो अल्टीमेटली सारी इन्वेंट्री कहां जाएगी? वर्क इन प्रोग्रेस। तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रॉ मेटेरियल अकाउंट को हम फिर क्रेडिट कर रहे होंगे। हमारी जितनी भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कहां जाएगी बेटा? कितनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है हमारे पास डब्ल्यूआईपी में, बाकी क्या हमारे पास क्या रह गया था, थोड़ा मैं उस पर भी आ जाता हूं। हाँ जी, हमारे पास लेबर कितनी थी यार? लेबर हमने टोटल कॉस्ट 96,000 की थी। हाँ जी, हमने क्या एंट्री पास की 96,000 में? सभी क्या किया था हमने, अभी मैंने क्या किया था 96,000 में से? मैंने 96,000 में से ये 96,000 में से 6,000 मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया था? पीयूएच के अंदर। तो बाकी फिर कितना रह गया था? 90,000। तो मैं यूं कह सकता हूं, तो मैं एंट्री सारी वर्क इन प्रोग्रेस में जाना है, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट और वेजेस अकाउंट क्रेडिट, ये कितना था? 96,000 था मेरे पास, लेकिन 6,000 तो मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूं, तो बाकी क्या बचा? 90,000। तो 90,000 से मैं डब्ल्यूआईपी को डेबिट कर दूंगा और वेजेस कंट्रोल अकाउंट को मैं 90,000 से क्रेडिट कर दूंगा, तो डब्ल्यूआईपी टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये बात भी समझ आ गई बेटा, इज इट क्लियर? वापिस आते हैं सवाल पे, आगे देखें जरा।
हाँ जी, ओवरहेड जब कहां ट्रांसफर होंगे? हमने कहा था सारे के सारे ओवरहेड हम एब्जॉर्ब करवा देंगे किसमें? वर्किंग प्रोग्रेस में। वर्किंग प्रोग्रेस में हमें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर भी तो करना है ना, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे आप? तो यहां पे क्या रेट दिया हुआ है उसने बताया हुआ, यहां पे ओवरहेड को स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट बराबर कितना है, दैट इज 20। हमने अब 20 की रेट से हमने इसको अब्सॉर्ब करवाना, तो हमने अंडर अब्सॉर्ब जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, हमने क्या पढ़ा था यहां पे ओएआर जो निकलता है, एक नई शीट दे देता हूं हम क्या करते थे, ओएआर जब निकलता है ओएआर को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, हम एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो ओएआर यहां पे क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर, सवाल पे आता हूं, 20 दिया हुआ बेटा, ये 20 है, दिस इज ओएआर, और एक्चुअल ये रेट पर आवर है, तो एक्चुअल आवर्स कितने दिए हैं, ये प्रोडक्शन की आवर्स दिए हैं हमें यहां पे, एक्चुअल 15,000 आवर्स है, तो ठीक है, तो मैं ओएआर हमारे पास कितना है 20 है, एक्चुअल आवर्स 15,000 मल्टीप्लाई किया तो ये 30,000 बनता, तो 30,000 से मैं जो कॉस्ट है डब्ल्यू आई बी लीजूंगा, तो यानी वर्किंग प्रोग्रेस में कितना अब्सॉर्ब होगा, 30,000 इसमें जाके डेबिट कर दूंगा, और हमारे पास पीयूएच से निकाल दूंगा, पीयूएच में 30,000 क्रेडिट कर दूंगा, तो दिस इज 30,000, 30,000 से हम ये एंट्री पास करेंगे। इज इट डन, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो 30,000 से हम क्या करेंगे बेटा, 30,000 से हम डब्ल्यू आई बी का डेबिट, 30,000 के 300,000 बनता है, मल्टीप्लाई कीजिए, बाकी एग्जाम्पल आप देखिएगा, फॉर टूडे दिस इज सफिशियंट, रहा काफी हो गया आज, तो इनशाला यहां से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इनशाला टुमारो, तो हो सकता है मैंने पहले आपको बता दिया कि 10-15 मिनट में लेट हो सकता हूं, आई विल ट्राई टू कम ऑन द टाइम, लेकिन अगर मैं 8:15 भी शुरू कर रहा हूं तो मैं 9:15 भी खत्म कर रहा हूँ, इतना को बस आपके माइंड होना चाहिए, ठीक हो गया, सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Thank you.